तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और ये रही गाइस हमारी हाईपिक्सल की एकदम से मस्त वाली दुनिया। और आज हम मिलने जा रहे हैं हाईपिक्सल के महान योद्धा मास्टर ताओ से, जो कि हमें निंजा वॉरियर हाईपिक्सल का योद्धा का खिताब देने वाला है, वो भी हाईपिक्सल की दुनिया के अंदर। और हमें स्पेशली मास्टर ताओ ने बोल कर रखा कि मेरे को ये नाजुक बुतन बंदे नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए हट्टे कट्टे पहलवान बंदे। तो यार तभी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर नाश्ता पानी लेके आया हूँ। तो ये देखो ब्रेड भी अपने साथ है, पूरा देसी घी मैंने लगा कर रखा हुआ है और साथ में एक कप चाय। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने हाईपिक्सल के अंदर और रियल लाइफ में इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत खतरनाक वाली ग्राइंडिंग करके रखी हुई है, यकीन नहीं आ रहा ना। ये देखो अभी तो देख रहे गाइस कितनी मेहनत मैंने करी है हाईपिक्सल के अंदर। मैं हाथ पे हाथ धरने वालों में से नहीं हूं। कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज ये। और एक बार फिर से गाइस हम आ चुके हैं क्रिमसन आइलैंड के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली हमारे मास्टर ताओ का बेस है। और यहाँ पर वोल्केनो भी है, बहुत ही बड़े वाला। और आई थिंक वोल्केनो अभी फटके हटा हुआ है, क्योंकि जब भी वोल्केनो फटता है ना तो वोल्केनो के अंदर से ये चीजें निकलती हैं, और ये है सल्फर। ओके फिलहाल मेरे को इसको टच नहीं करना क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और अभी चलते हैं इस तरफ नहीं जाना क्योंकि इस तरफ मास्टर ताओ का बेस नहीं है। पता नहीं किधर चला जाता है यार, उसको मैंने बोल कर रखा था कि गधे इंसान एक जगह से। किसने मास्टर ताओ को गधा बोलने की कोशिश की? डोंकी बोलने का उसको। तो मैंने उस डोंकी बंदे को बोल कर रखा था कि भैंस की यहां से हिलियो मत, और ये ट्रैवलिंग करने। अच्छा ये रहा मास्टर ताओ, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो ऑब्वियसली गाइस आपको याद होगा कि लास्ट टाइम ये वाली गेम अवेलेबल नहीं थी, और अब भी ये वाली गेम भी आ चुकी है। और इस गेम का नाम है टेस्ट योर कंट्रोल, जहां पर हमारा कंट्रोल, हमारा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ डिफेंस टेस्ट होगा यहां पर। तो हेलो मास्टर ताओ, अभी हम आ चुके हैं, आप खुल के हमारा बैंड बजाओ। गलत बैठ रहा है यार ये। तो एक काम करते हैं, फिलहाल क्लिक करते हैं मास्टर ताओ के ऊपर और ये गेम स्टार्ट करते हैं। और यार मैं तो भूल ही गया था कि मास्टर ताओ को या पूरी इन्वेंटरी खाली करके आनी पड़ती है, तब जाके नुबड़ा हमसे बात करेगा। तो बेसिकली मास्टर ताओ हमको बोल रहा है कि यहाँ से जाओ, नंगे होके आओ, फिर अपनी बैंड अपने आप खुद बजवाओ। तो लीजिए गाइस हमारी पूरी इन्वेंटरी यहाँ से खाली हो चुकी है। मैंने अपना आर्मर भी उतार दिया, अपनी तलवारें वगैरह सारी सेफ रखी हुई है, और अपना ड्रैगन पैट भी एकदम से सुरक्षित अपने घोंसले के अंदर घुस चुका। तो मास्टर ताओ के ऊपर क्लिक करते हैं और अभी हमको ये वाली ट्रेनिंग शुरू करनी है। तो ये मेरी फाइनल ट्रेनिंग होगी और एकदम से स्टार्ट हो चुकी है। करना क्या है मेरे को? तो बेसिकली मेरे को बोल कर रखा है कि यहाँ पर अभी एक स्केलेटन आएगा और मुझे स्केलेटन के ऊपर नजर रखनी है। ये रहा फुल ऑन कंसंट्रेशन मेरे को करना है, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन बिगाड़ने के लिए, अरे नहीं अबे रुको गाइस, मेरा कंसंट्रेशन बिगाड़ने के लिए भाई यहाँ पर स्केलीज भी आ चुकी है, यहाँ पर ज़ॉम्बीज भी आ चुकी है, और मेरे को अपना पॉइंटर ना बिल्कुल इसके मुंह के ऊपर रखना है। कम ऑन, मेरे को मेक श्योर करना है कि हमेशा इसका सर डायमंड के अंदर कन्वर्टेड हो। स्केलीज रुक जाओ भाई, 2 सेकंड के बाद रुक जाओ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। We are doing so good. Come on, Jai Master Tao, bhai saab. Ye dekho, ise kehte hain asli kung fu warrior, bhai. Aaj to Dragon Scroll apni jeb mein aane wala hai. Aaj kya sabki baad baja de chalange batla yahan par. तेरे को पता ना कि बस ये दियो भाई, ये देखो कितनी खतरनाक लैग हुआ। तो ऑब्वियसली गाइस पिंग के कारण मैं ये हार सकता हूँ, और इन लोगों ने चेंज कर दिया। भाई आपने देखा कैसे उन लोगों ने यहाँ पे फेक स्केलेटन से बंद किया ताकि मेरा ध्यान बट जाए। लेकिन भाई मेरे, मैंने मास्टर ताओ से ट्रेनिंग लेकर रखी है भाई, और देसी घी की चाय मैंने पी कर रखी है। मेरा मैं भी बोलने वाला था कि मेरा ध्यान हटाना एकदम से इम्पॉसिबल होगा, लेकिन ये लोग भी एकदम से मस्त काम कर रहे हैं। Come on, we are doing so good. Come on, भाई खत्म होने वाला है, किसी भी सेकंड खत्म हो सकता है। भाई मेरे पॉइंट्स देख रहे हो, एकदम आसमान छू रहे हैं। और मैंने देखा है बहुत कम बंदे यहाँ पर ए स्टार लेके आते हैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, पर आई बिलीव हमारा अलग एकदम से मस्त चल रहा है। भैंस की ए स्टार तो अपनी जेब में ही आएगा। और गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, आपको मास्टर ताओ की कसम भाई, उसके मास्टर स्किल्स की कसम, प्लीज आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब कर दो। अरे कौन से वाला रियल है? ओके ये वाला रियल है। भाई कितनी तेज भाग रहा है भाई मेरे, तू टिक के बैठ जा। और मेरे को मिला सी, लेट्स गो मास्टर ताओ।
हमारा प्रणाम कबूल कीजिए। अभी मेरे को पूरी इन्वेंटरी की सारी चीजें वापस लेके आनी है, अपना आर्मर भी पहनना है। अभी गाइस मैं बन चुका हूँ हाई पिक्सल का महान योद्धा, लेट्स गो। और अभी जाके सबसे पहले अपना डैमेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को गाइस अपना आर्मर उतारना है, क्योंकि हम चेकआउट करेंगे डैमेज विदाउट द आर्मर फट से 235। और आपको तो पता है कि मेरे पास खतरनाक वाला आर्मर आ चुका, तो एक काम करते हैं फटाफट से आर्मर पहनते हैं और अभी डैमेज चेक करते हैं। एंड 472। और आपको तो पता है कि गाइस मेरे पास खतरनाक वाला पेट भी आ चुका है भाई, आईपिक्सल का द मोस्ट डेंजरस पेट, द एंडेड ड्रैगन पेट। तो एक काम करते हैं ये पहन के अभी फिर से अपना डैमेज चेक करते हैं। एंड खतरनाक वाली तलवार आ चुकी है। ऑब्वियसली ये वाली तलवार जो मैंने लॉगी से मार के रखी है, ये उस जमाने की सबसे खतरनाक तलवार थी। लेकिन अभी वक्त बदल चुका, समय बदल चुका, लैपटॉप बदल चुके, आईफोन 14 आ चुके, कैमरा बदल चुका है, किचन बदल चुका है, घर बदल चुका है, जहाज बदल चुकी है, कंप्यूटर बदल चुका है, हाईपिक्सल बदल चुकी है, लाइटें बदल चुकी है, माइक बदल चुका है, कपड़े बदल चुके हैं, बंदा बदल चुका है, चेहरा बदल चुका है, व्लॉग शुरू हो चुकी है। तो यार बेसिकली पूरी दुनिया बदल चुकी है, तो तलवार भी बदल चुकी है। और आज की वीडियो में हम क्राफ्ट करेंगे हाईपिक्सल की द मोस्ट डेंजरस सोर्ड। और ऑब्वियसली गाइस मेरे को खतरनाक तलवार चाहिए और खतरनाक बो भी चाहिए। तो तलवार बनाने का आइडिया मेरे पास है, और बो कैसे बनाते हैं वो चीज मैंने अनलॉक अभी तक नहीं की। तो ये रहा पूरे हाईपिक्सल की दुनिया। तो इस समय मैं इस वाले आइलैंड के ऊपर हूं। तो यहां पर जितने भी आइलैंड है ना, सिवाय इस बड़े वाले को छोड़कर, सबके अंदर मैं एकदम से महान बंदा बन चुका हूं। सारे बॉसेस को यहां पे मार सकता हूं। लेकिन इस वाले आइलैंड के ऊपर जो नए नए बॉसेस आए ना, वो बड़े बड़े मैग्मा क्यूब्स, उनको थोड़ा बहुत मारने में परेशानी हो रही है मेरे को। और हाईपिक्सल का था महान खतरनाक विदर बॉस, जो कि ऑब्वियसली इसके गेट के पीछे है। वहां पर 7 लेवल है उस तक पहुंचने के लिए। तो यार वहां तक भी अभी तक मैं नहीं पहुंचा। और उसको मारने के लिए ब्रॉस मेरे को चाहिए हाईपिक्सल की खतरनाक वाली तलवार। तो इस वाली वीडियो में क्यों ना तलवार बनाए, और उसके बाद वाली वीडियो में कुछ बोस वगैरह बनाएंगे। तो यह शुरुआत करते हैं तलवार से। ओके गाइस, तो खतरनाक वाला ब्लेड बनाने के लिए आपको चाहिए नेक्रॉन हैंडल, जो कि ऑब्वियसली आपको मिलता है डंजन के अंदर लेवल 7 का बॉस, जो फाइनल बॉस है। उसको मारोगे तब जाके आपको मिलेगा था खतरनाक नेक्रॉन हैंडल, जिससे वो ब्लेड बनता है। लेकिन हम ऑक्शन से लेंगे। ऑब्वियसली गाइस मेरे पास इतनी ताकत नहीं ताकि मैं उसको मार सकूं। तो अगर अपने ऑक्शन के अंदर जाके देखूं तो या मेरे पास ऑब्वियसली है, मैंने कल खरीद लिया था, क्योंकि नॉर्मली इसकी प्राइस होती है 1.3 बिलियन, ठीक है, 1.3 बिलियन इसकी प्राइस होती है। तो मेरे को 1 बिलियन मिल रहा था, तो मेरे को लगा चलो खरीद लेते हैं, बाद में वीडियो के अंदर काम ही आएगा, और आज काम आ रहा है। अभी फंडा पता है क्या है हाईपिक्सल का, अगर मैं पूरी शॉट बनाता हूं तो मेरे को 1.7 बिलियन लगेंगे, अगर मैं ऑक्शन तक देता हूं एकदम मैक्स वाली तो 1.2 बिलियन की मिल जाएगी। लेकिन नहीं, हम बनाएंगे अपने हाथों से पूरी हैंडमेड सोड, हो गई हाईपिक्सल की सबसे खतरनाक वाली, पूरा मैक्स कर दूंगा मैं उसको आज। तो ये रहा नेक्रॉन हैंडल। ओ माय गॉड, खतरनाक लग रहा है मेरे को उठाते ही भाई। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे को चाहिए 12 वेदर कैटलिस्ट, तो या 24 मेरे को चाहिए, इसका बनेगा नेक्रॉन ब्लेड। तो ऑब्वियसली ये भी चीजें आपको वहां से मिल जाती है, लेकिन हम ऑक्शन से ले सकते हैं आप लोग। तो मेरे को यहाँ पे दे दिया 24, जो कि 33 मिलियन की है। यार पूरा दिवालिया निकलने वाला है वीडियो के अंदर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फट से ले लेते हैं। तो 1 बिलियन का मैंने ये हैंडल दिया था, और 33 मिलियन की अभी ये मेरे पास ये कैटलिस्ट आ चुकी है। तो अभी इसको जाके डालते हैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर। तो ये यहाँ पर एट टैक्स है। ओके, अभी मैं जाके पहले डैमेज चेक करके आता हूँ, देखता हूँ कुछ इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। ऑलराइट, तो ये रहे गाइस हमारे दुबड़े ज़ॉम्बी। हैंग कर सेकंड, क्या हो रहा है भाई यहाँ पर तो। ओके, अभी ऑब्वियसली ये नेक्रॉन ब्लेड बना हुआ है, अभी इसको नेक्रॉन सॉर्ड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले गाइस मेरे को यहाँ पर लेनी पड़ेगी विदर शील्ड, जो कि ऑब्वियसली 12 मिलियन की है। यार उसके बाद मेरे को चाहिए शैडो वॉर्प 8 मिलियन, और उसके बाद मेरे को चाहिए इम्प्लोजन 15 मिलियन, और अभी इसके बाद इसको खतरनाक बनाने के लिए मेरे को बाय करनी पड़ेगी लेजर आइज, जो कि ऑब्वियसली गाइस आप ग्राइंड करके वहां से ले सकते हो, लेकिन हम सज्जन से लेंगे, थोड़ा बहुत इनका बिजनेस बढ़ जाएगा तो हाईपिक्सल के लिए पता नहीं मेरे को। और ये रही सबसे सस्ती वाली, आती है हमारी वन पस, चिल्लड़ है भाई ये तो यहाँ पर जाएगा, उसके चारों तरफ जाएगी अपनी लेजर आइस, और बन चुके हाइपीरियन मास्टर ताऊ की जय। ओके, तो ये यहाँ से ले लेते हैं, आ चुका है, और अभी जाके डैमेज चेक करते हैं। अभी इनको पड़ेगी छलांग मार के फटक, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। अभी तो मैंने किताबें भी नहीं लगाई इसके ऊपर, हाँ एकदम प्रोफेशनल ब्लेड बनने वाला यहाँ पर ये। ऑलराइट गाइस, अभी मेरे को इसके ऊपर बुके लगा दिया है, हेलो लुटेरे नंबर 2। ऑलराइट, तो ये अपना एनवल, इसकी क्लिक करना है इसके ऊपर, क्या कर रहा है। तो ये जाएगी यहाँ पर, एंड ये जाएगी यहाँ पर, एंड
फट से हथौड़ा, फट से हथौड़ा, फट से हथौड़ा। अभी जाके डैमेज चेक करते हैं। हेलो जबिल फ्रॉक्स। ओके गाइस, मेरे पास एक एबिलिटी भी आ चुकी है और एबिलिटी एकदम से खतरनाक है, तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो पूरा धमाका होगा यहाँ पर। फट से एक ही मरा यार, उन्होंने बोला था कि पूरा बड़ा विस्फोट होगा, न्यूक फटेगी, सारी हाईपिक्सल क्रैश हो जाएगी, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ऑब्वियसली अभी और चीजें मेरे को लगानी है इसके ऊपर, एकदम मैक्स कर देंगे इसको, मैक्स। ओके, तो सबसे पहले किताब गाइस आ चुकी है, हम लगाएंगे इसके ऊपर अल्टीमेट वॉइस और ये जाएगी यहाँ पर, ये जाएगी यहाँ पर, कुछ अंदर एक्सपी नहीं है। एक्सपी की बोतल, एक काम करते हैं पूरी टाइटैनिक वाली ही ले लेते हैं, वो भी दो लेंगे। ये देखो अभी मेरे पास एक्सपी आ रहा है 66, फट मारी 336 हो गया। हाय फंडे देख रहे हो ना, लेजेंडरी काम हो रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिएटिव में खेल रहा हूँ यहाँ पर। एंड ये यहाँ पर ये ये थे फट हथौड़ा। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है मेरी जान, कम हो गया यार। अब ऑब्वियसली गाइस खतरनाक वाली तलवार है तो उसके ऊपर एन्चेंटमेंट्स भी खतरनाक लगने वाली हैं, और खतरनाक एन्चेंटमेंट्स लगाने के लिए हाई पिक्सल वालों ने एक खतरनाक जगह बना के रखी है, जो कि ऑब्वियसली कहीं भैंस किया कहां पर लेके आ चुका है मेरे को। तो यहां पर मेरे को बता के रखा है कि इन लोगों ने अरे हो भाई, यहां पर तो मैं आया भी नहीं पहले, होली शिट। तो ये है यहां का भैंस किया, लट्टू घुमा रहा है क्या यहाँ पर। तो ये है गाइस यहाँ का सबसे मोस्ट खतरनाक एन्चेंटिंग टेबल, इसके ऊपर अगर मैं ब्लेड रखूंगा ना तो पूरी एन्चेंटमेंट इसके ऊपर लगनी चाहिए। आए तेरे को, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे, चल भाग जैसे। ओके, तो सबसे पहले मुझे इसके ऊपर क्लिक करना, बीच में रखेंगे अपना हाइपीरियन। भाई अगर ये गायब हो गया ना तो मैंने तेरे को गोली मार देनी यहीं पे। तो ऑब्वियसली गाइस मेरे को यहाँ पर लगानी है एन्चेंटमेंट्स, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन एन्चेंटमेंट्स लगाने से पहले मेरे को अपने ऊपर आलू की किताबें लगानी पड़ेंगी। आपको याद होगा बहुत टाइम पहले हमने किया था, तो ये आलू मारने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर मेरे को 10 आलू फेंकने हैं, तो एक हो चुका है, दो तीन चार, और आलू के बाद अभी हम लगाएंगे फ्यूमिंग। ये क्या कर रहे है? हेलो टिक के बैठ जा भाई, मेरे को डरा दिया तूने, मेरे को लगा था कि मेरा ब्लेड मार लगा अंदर से। और अभी हम लगाएंगे उसके ऊपर फ्यूमिंग वाले आलू, 1 मिलियन की एक आलू की किताब है, 2 3 4, तो पूरे 30 मिलियन के मैं आलू इसके ऊपर फेंक चुका हूँ, अभी तो डैमेज बढ़ना चाहिए। ओके फट, हाँ कुछ तो हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर लगानी होगी अपने लिए क्रिटिकल 7, जो कि ये रही। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करके देखें तो इसको रिक्वायर बुक शेल्फ लेवल पावर, कोई लॉजिक है इसका नहीं, बुक शेल्फ लगाने के लिए कौन सी पावर चाहिए होती है। ओके गाइस, सबसे पहले मेरे को यहाँ पर बनाने पड़ेंगे प्लैंक्स, क्योंकि मेरे को अपना बुक शेल्फ पावर बढ़ानी है। और आंटी जी हेलो, इससे बाय करना मेरे को बहुत सारा शुगर केन, पट 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 पट, और इसे कन्वर्ट करना हमको पेपर के अंदर, और जो शुगर के अंदर कन्वर्ट। Alright guys, तो पूरा फंड अपने पास आ चुके हैं और मेरे पास आ चुके हैं एन्चेंटेड किताबें, पढ़ा लिखा बच्चा हूँ मैं, तो ये जाएगा बिल्कुल बीच में। Alright, तो सबसे पहली किताब फट से, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी किताब, तीसरी, अच्छा गलत रख दी मैंने यार, इसको तोड़ना पड़ेगा अभी। मेरे को लगा था कि वो करने से मेरा लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन ये देख रहे हो अभी तक 0। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर एक रैंडम एक्स वाई करके रखी हुई है, मेरे को लगता है कि मुझे रैंडम चीजें एन्चेंट करनी पड़ेंगी तब जाके मेरे को लेवल मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी ऊपर एफिशिएंसी 5 लगा दूं तो अरे कुछ ना कुछ हुआ फाइनली। और अभी जाके मेरे को पूरे जहान की चीजें एन्चेंट करनी पड़ेगी, तब जाके मेरी पावर 20 बढ़ेगी। तो अभी ये जाएगा यहाँ पर, और अभी जाते हैं अपने एन्चेंटमेंट्स की ओर, और अभी मेरे को लगानी है सबसे पहले क्रिटिकल। तो ये रही क्रिटिकल, और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रिटिकल 7, जो कि 48 मिलियन। कौन लिख रहा है यार ये प्राइसिंग, और वो भी स्टॉक में है ही नहीं, गए। इसके बाद आ गई हमारी क्यूबिज्म 6, 66 मिलियन, स्टॉक में ही नहीं है। और अभी गाइस इसके बाद आती है 42 मिलियन की एक और बुक, एंड्रिस लेयर 7, गए। ये हाई पिक्सल नहीं, ये बेड़ा गर्क पिक्सल है ये। और अगर गाइस, तो पूरी तलवार अपग्रेड करने के बाद ऑब्वियसली मेरे को बहुत सारी किताबें जो है मार्केट के अंदर नहीं मिली, मेरे को लगानी थी लेवल 7 की किताबें, तो मैंने लगाई है फिलहाल लेवल 5 लेवल 6 तक की। और जैसे मार्केट के अंदर लेवल 7 की किताबें आ जाएंगी मैं फट इसको अपग्रेड कर लूंगा। और अभी चेकआउट करते हैं अपना डैमेज एंड टैक्स। गलती हो जाती है कभी कभी, ग्लिच होता है हाइपिक्सल के अंदर, कभी कभी ग्लिच हो जाता है। प्रा लूट रहे हो यार तुम लोग मेरे को, बेड़ा गर्क पिक्सल है यार ये। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर मैं अपना राइट क्लिक वाला डैमेज चेक करूं तो बंदा ही उड़ गया। लेकिन चलो एक काम करते हैं गाइस, एंड के अंदर चलते हैं, क्योंकि एंड के अंदर दिखाया जाता है आपका मैक्सिमम डैमेज। तो सबसे पहले आती है हमारी नॉर्मल शॉट, जिससे मैं कर रहा हूँ 800 बेसिक, पीछे गिर गया मैं, तो पहली नॉर्मल शॉट से कर रहा हूँ मैं 900K डैमेज। और अभी आती है 1 बिलियन वाली शॉट, आई मीन नॉट 1 बिलियन, पूरा कंगाल हो चुका हूँ मैं शॉट को खरीद के। मेरे पास 1.7 बिलियन थे,
160 रुपए बचे मेरे पास हाईपिक्सल के अंदर, और डैमेज कितना कर रहा हूँ, 371k। लूटा जा रहा है मेरे को हाईपिक्सल की दुनिया के अंदर। साइमन, साइमन बेसिकली हाईपिक्सल का बॉस है। साइमन दुबड़ा है क्या ये? मंदा लूट गया, बर्बाद हो गया, और डैमेज कितना हो रहा है, हाफ। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को पता है कि जब मैं इसके ऊपर पूरी मैक्स वाली एन्चेंटमेंट्स लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ होगा। आई डोंट थिंक कुछ ना कुछ होगा, मैं अपने आपको बेसिकली झूठी तसल्ली दे रहा हूँ यहाँ पर। कोई ना कोई जुगाड़ इसका मेरे को नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर निकालना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मेरे को पैसे कमाने का कोई ना कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कमाएंगे अंधाधुन पैसा। तो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में कि हाईपिक्सल के अंदर पैसा कैसे कमाया जाता है, वो भी फ्री। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा नहीं आया, एकदम से पूरा चूना लग चुका है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर एवरीवन, एंड बाय बाय।